दोस्तों, कल जो पेपर हो चुका है ईटा के जरिए लैब असिस्टेंट का, कल यानी 25/12/2022 को। उस पेपर को बाय पार्ट्स मैं कल अपलोड कर चुका था। अब उसी पेपर को, पूरे पेपर को एक ही वीडियो में अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि पेपर काफी टफ था उन लोगों के लिए जिनको साइंस नहीं आती थी, तो उन दोस्तों के लिए ये पेपर काफी टफ था। तो पेपर जब मैंने बाय पार्ट्स अपलोड किया है तो उसमें कम से कम 5 या 6 गलतियां हैं, तो उन गलतियों को निकाल कर पूरा पेपर 100% एक्यूरेट, कोशिश करता हूं कि कोई गलती ना हो, अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दिस इज द पेपर, पेपर टाइप ए था दोस्तों, पेपर टाइप सी, सॉरी पेपर टाइप सी है। जहां पर कोई गलती नहीं थी तो उसको हम ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको बाय पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं, जस्ट करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा। जहां पर गलती है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यहां पर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए है, हेलोपाइड्स टेक सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वैक्सीन्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू नोज माउथ एंड इंजेक्शन ओनली, ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना दोस्तों, इस पर थोड़ा सा, काफी दोस्तों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं और काफी दोस्तों ने इसको डिस्कस भी किया है कि फर्मेंटेशंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के रिजल्ट्स में क्या बनता है। तो इसमें मैंने करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए किया था, ठीक है। और ये सिरका को कहते हैं, और काफी दोस्तों ने ऑप्शन बी को, पिकल्स यानी अचार को भी कहा है, कि बहुत सारे दोस्तों का ये भी ख्याल है कि पिकल्स सही है, लेकिन काफी दोस्तों का ये ख्याल है कि एसिटिक एसिड सही आंसर है। तो इसको थोड़ा सा आपने मजीद सर्च करना है कि इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। मैंने ऑप्शन ए को करेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर ऑफ 3 टाइप्स। इस पर भी दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि ये 2 टाइप्स है, लेकिन नहीं दोस्त, ये ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट है, 3 टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 नंबर, द लोकेशन ऑफ द जीन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एट्स, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए ही है, लोकस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन को, द केमिकल फार्मूला फॉर चिली साल्ट पेट्री इज NaNO3, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन था, नेचुरली अकरिंग गैलियम कॉन्सिस्ट ऑफ 60.108%, Ga69 विद अ मास ऑफ 68.925%। इस क्वेश्चन को मैं बैक सॉल्व कर चुका हूं, इसमें करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी है, बाय पार्ट से इस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लगी है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा नजर नहीं आ रहा था कि इसके, तो इसको जरा देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 3.01 × 10 की ताकत 23 है, ये 23 है, ठीक। तो इसमें मोल्स के इसको अपने कैसे कल करना है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल इसमें देखिए 3.01 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 की ताकत 23, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड करना है, ऑप्शन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023, 6.023 जरबे 10 की ताकत 23, जरबे 10 की ताकत 23, तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे आपस में, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएंगे। आप 3.01 को डिवाइड करें 6.023 से, तो इससे आपके पास आंसर आएगा
0.49 एंड आगे भी इसके पीछे दो हिस्से हैं, तो इससे आपके पास आंसर आएगा, अगर इसको राउंड करें तो ऑप्शन सी बनेगा 0.5 मोल्स। ठीक है दोस्तों, तो इसकी करेक्शन कर लें। विच नंबर देखिए आगे, 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज टू मैयर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल। इसमें तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, ये करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जो था ये भी सही तरह नजर नहीं आ रहा था, तो डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन में रिजल्ट इन द इंफ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड क्रैक लिप्स। तो ये आखिर में जो है ना B12, ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें B12। क्वेश्चन नंबर 11 देखे, 11 नंबर क्वेश्चन, यहां पर ऑप्शन, ये क्वेश्चन को रीड करें, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, इसमें कोई गलती नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सॉरी वो 11 था, पहले वाला 11 था, सॉरी वो 11 नंबर, ये 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, ऑल स्टेप्स आर यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्सेप्ट ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उसमें भी गलती थी 13 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 13, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर प्लेस टू अ कोल्डर प्लेस विद और विदाउट हैविंग अ मटेरियल मीडियम इन बिटवीन इज कॉल्ड रेडिएशन। ये हमने कंडक्शन किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रेडिएशन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर कॉपर इज, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, इन केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क 273, ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन, एफ कांस्टेंट एक्स इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हुक्स लॉ है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज यंग मॉडुलस। 18 नंबर क्वेश्चन देखे, 18, द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज विंबलडन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, ऑप्शन डी है। 20 नंबर क्वेश्चन, नाइपोन इज द ओल्ड नेम ऑफ जापान था, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 21 देखे के 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका रनर अप जो था क्रोशिया था, ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22, सिंगापुर वॉज प्रीवियसली पार्ट ऑफ मलेशिया के हिस्सा था, ऑप्शन सी है। और 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गल्फ, गल्फ ऑफ मेक्सिको, डी है। क्वेश्चन नंबर 24, ग्राउंड स्ट्रोक ये टेनिस के साथ एसोसिएट है, ऑप्शन सी है। 25 नंबर क्वेश्चन, रुको से उठने के वक्त उस हालत को कौमा कहते हैं, ऑप्शन ए है। 26 नंबर क्वेश्चन, वो हरूफ जो इंसानों की समझ से मखफी रखे गए हरूफ मुकत्यात कहते हैं उसको, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखे, द ब्रिटिश कॉमन इनकरेज मिशनरी, ये आपको मैंने टुका लगाया था, बिल्कुल वो करेक्ट ऑप्शन है मिशनरी। और 28 नंबर क्वेश्चन जो था, तकायदे आजम प्रेजेंटेड, ये भी इजी क्वेश्चन था, नेहरू रिपोर्ट के बदले में 14 पॉइंट पेश किए थे। 29 नंबर क्वेश्चन, शिमला डिप्यूटेशन 1906 इसके मकासद जो थे, ऑप्शन डी, फॉर फ्यूचर इलेक्शन इन द कंट्री मुस्लिम कम्युनिटी वुड गेट सेपरेट इलेक्टोरेट। 30 नंबर क्वेश्चन को देखे, 30 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर 1996 में, केयरटेकर मलक मेराज खालिद थे, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 31 देखे, प्लास्टाइड आर अप थ्री टाइप्स, ऑप्शन बी
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 32 देखे, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, इसमें कुछ दोस्तों ने सेलुलोज का लिखा है लेकिन वो सेल वॉल है दोस्तों, नॉट सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ना, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी करेक्ट है। 33 एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक, दे आर मेड मेनली, एंजाइम जो है दे आर मेड मेनली प्रोटीन्स है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन अ सेल नीड्स एनर्जी द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी इज ब्रोकन टू रिलीज व्हाट, 7.3 ऑप्शन सी है इसमें। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर रेस्टिंग कंडीशन द रेट ऑफ ब्रीथिंग टाइम्स पर मिनट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, 15 से 20। और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन पर भी काफी कमेंट्स आए हैं लेकिन करेक्ट ऑप्शन डी ही है, 100 से 125। प्री डायबिटीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल और 8 से 10 घंटे फास्ट की सूरत में। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37, इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड ऑक्सॉन फॉर्म द, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 38 देखे, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल पी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखे दोस्तों, 39, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज 67, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, 40 नंबर, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज NC^-1 है। और क्वेश्चन नंबर 41, एन इलेक्ट्रोलिसिस द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ, इस क्वेश्चन पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो ऑप्शन सी, बहुत सारे दोस्तों ने ऑप्शन सी को करेक्ट किया है, मैंने ऑप्शन बी को किया था लेकिन ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 देखे, 4 रेजिस्टर ऑफ 15 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 30 वोल्ट, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन को रीड कर लिया करें खुद। और क्वेश्चन नंबर 43 देखे, दिस वन लेंज लॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 44 देखे, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी सिचुएशन इन जापान टोक्यो में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, स्काई न्यूज एजेंसी यूनाइटेड किंगडम का है, ऑप्शन डी है। 46 नंबर क्वेश्चन देखे, विच कंट्री हैज द मोस्ट पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी इंडिया के हैं। और हज का सबसे अहम रुकन जो है वो वकूफ़ अरफात है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 देखे, तकबीरी तहरीमा अरकानी नमाज में से हैं, ऑप्शन बी है। और 49 नंबर क्वेश्चन देखे, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, के दौर खिलाफत में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेड़ा बनाया था, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 50 नंबर क्वेश्चन देखे, साइमन कमीशन वाज वेलकम्ड विद प्लेक्स, थे ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 51 जो है, वेयर वाज सर सैयद अहमद खान बॉम दिल्ली में पैदा हुए थे, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, खिलाफत कमेटी एंड कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन अंडर द एक्ट 99/1919 था, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज द अपोनेंट आयूब खान 1965 के सदारती इलेक्शन में, मिस पद्मा जना उसके मुखालिफ थी। 54 नंबर क्वेश्चन देखे, नेशनल पेशा पाकिस्तान इज माशेर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन देखे, कायद आजम विजिटेड 3 times KPK इस्लामिया कॉलेज। और क्वेश्चन नंबर 56, द इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ कैल्शियम इज ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 57,
क्वेश्चन नंबर 57, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस क्वेश्चन को रीड करें अच्छी तरह से और इसमें करेक्ट ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी है, फ्लोरीन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड सेल बॉयल्स एट -85 दर्जा सेंटीग्रेड। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर, इस क्वेश्चन में मिस्टेक, मैंने सिर्फ ऑप्शन बी को करेक्ट किया था कि द ओनली दिस, लेकिन इसमें ऑल ऑफ द अबाउ जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन की करेक्शन कर ले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60, फॉग एंड ह्यूमिडिटी इन एयर, तो ये इसका लिखा है गैस इन लिक्विड। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा रिव्यू कर ले, इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, कमेंट्स में जाके देख लें। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, 61 और इसको, व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय डिसॉल्विंग इट वाटर, तो उसको वेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 62 देखें, द नेम प्लाटिनम इज डिराइव फ्रॉम, अच्छा ये स्पेनिश का लफज है, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 63, अ मैन हुज मास 75 kg, इसमें ऑप्शन, क्वेश्चन को रीड करें, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 वर्क डन, इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 65 मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, ऑप्शन सी एम वी स्क्वायर आर। और क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टार्ग इज टेकन एज नेगेटिव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 77, ये क्वेश्चन भी, इसमें काफी कमेंट्स आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कुछ कुछ दोस्तों ने पावर का लिखा है, तो पावर तो स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है, करंट जो है ना, करंट का डायरेक्शन अब मालूम है, और इसका जो ये वेक्टर और क्वांटिटी, ये काफी कंफ्यूज क्वेश्चन है, काफी दोस्तों ने इसको नन ऑफ द अबाउ का है, तो करेक्ट ऑप्शन इसको भी रिव्यू करें इस क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज मोमेंटम है, ऑप्शन ए है। 69 नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 69, खाली जगह द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इसमें एम्पलीट्यूड लगता है, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 70, अवेव ट्रांसफर एनर्जी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 71 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, सिलिशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड ये एस्टेरॉइड्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 72, कुरान करीम में पहला सजदा जो है वो सूरह आराफ में है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन ये कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत हसन रज़ियल्लाहु का नाम हरब रखा था। अब इस क्वेश्चन पर एक दोस्त ने कमेंट्स की हैं और उसने कहा कि मैंने पीएचडी डॉक्टर से पूछा, उसने कहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट है, तो जरा देखिए इस पे, ये इसमें ऑप्शन डी जो है ना, मैं जो कह रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जरा देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ से देखिए, इसको रीड करें, यहाँ से रीड करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब हसन रज़ियल्लाहु ताला पैदा हुए तो मैंने उसका नाम हरब रखा। और ये एक और जगह भी पर मैं ये क्वेश्चन को पढ़ चुका हूँ, तो हरब करेक्ट ऑप्शन है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ऐसा शख्स जिसकी एक से ज्यादा बीवियां हों और उसने एक की तरफ झुक कर दूसरी की अक्ल पी की, तो मैदान हशर में वो पालक जद्दा उठाए जाएंगे, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 75 है कि हिजरत मदीना के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताकीद की थी
कि मेरे बिस्तर पर सो जाएं। क्वेश्चन नंबर 76 एफआई आहद का माना है वादा पूरा करना, ऑप्शन बी है। और 77 नंबर सुलह उदेबिया के मौके पर एक साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु के जो पेश हुए थे वह हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु थे। और क्वेश्चन नंबर 79 अपनी जरूरत की चीजें किसी दूसरे मोहताज या जरूरतमंद को देना, ये क्या कहलाता है? एसआर कहलाता है, ऑप्शन डी है। 79 नंबर क्वेश्चन देखे, दिस वन इज इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ऑप्शन बी है। 80 नंबर क्वेश्चन देखे, द सेल वॉल ऑफ पुपा इज मेड ऑफ किटन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 81 नंबर क्वेश्चन देखे, लास्ट वीडियो में कुछ ज्यादा ही मिस्टेक थे, दो या तीन मिस्टेक्स थे। 81 ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड विद फाइव सेंसेस, ठीक है। और 82 नंबर क्वेश्चन देखे, जुआलॉजिकल नेम ऑफ बटरफ्लाई इस, जुआलॉजिकल नेम ऑफ बटरफ्लाई इस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 83, इन पाकिस्तान स्पीसी रिप्टाइल आर लिस्टेड एज डेंजर्ड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन काफी दोस्तों ने ऑप्शन ए को करेक्ट किया है, ये काफी दोस्तों ने ऑप्शन ए को बताया है। और क्वेश्चन नंबर 84 देखे, 84 एस्ट्राइड क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी एरिस्टोटल, अरस्तु ने हैबिटेट, ऑप्शन सी है इसमें करेक्ट ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन जो है, द सेमी प्लॉइड मेल प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज, ऑप्शन बी इसमें है स्ट्रोमा। और 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 क्वेश्चन नंबर 86 जो लिखा है, इन वॉल्स मैनी सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कॉलोनी, ऑप्शन सी है। और 87 नंबर क्वेश्चन, सूरह बकरा की टोटल आयात की तादाद 286 है। और ये क्वेश्चन है, इस पर फिर भी एक दोस्त ने कमेंट्स किए हैं, इसका रोहुल अमीन और रोहुल कुद्दूस, तो इसका काफी जगह पर रोहुल अमीन लिखा है, लेकिन एक दोस्त बार बार कह रहे हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन 89 में जो है ना, परिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। 90 नंबर क्वेश्चन देखे, 90 नंबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क़याम अमन के लिए तीन यहूदी कबाइल से माहिदा किया था, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 91, ग़ज़वे उहद में कुफार की तादाद 3000 थी। 92 देखे, 92 नंबर, कौन से सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की हम शक्ल थे? हज़रत मुसअब बिन उमैर थे, ऑप्शन डी है। 93 नंबर क्वेश्चन देखे, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात की तादाद 27 है, ऑप्शन सी है। 94 नंबर क्वेश्चन, के हज़रत बाबा फरीद गंज शकर नसब जो है वो फारूकी है, ऑप्शन सी है। 95 नंबर क्वेश्चन देखे, 95 नंबर, इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था, इसका किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया, तो फिर भी इसको छोड़ लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है दोस्तों, हमने पहले कुछ और बताया था, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से खुद रीड करें, और यहाँ पर हमने ये गलती की थी, मैंने नॉट को नहीं पढ़ा, डबल शॉट को मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, 97 सर, ठीक है, इसमें पोटाश, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। और 98 नंबर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करें, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। इसी तरह 99 को भी रीड करें क्वेश्चन को, और करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 100 चूंकि नजर नहीं आता, तो एक दोस्त ने बताया है, दो तीन दोस्तों ने ऑप्शन सी कर ऑप्शन बताए हैं। तो इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।